Dear students, welcome on RCE online Pathshala. Now we start question number 9. For any vector, a vector prove that this one. So मैंने LHS लिया, अब देखिए कैसे करेंगे इस question को. बहुत अच्छा question है. Let a vector equal to a1i plus a2j plus a3k. भाई एक बात मैं बोल दूँ कि i j के ऊपर cap आप लगा सकते हो, लेकिन मेरी habit नहीं है, इसलिए मैं लगा कर नहीं हूँ cap. और आप अगर कैप नहीं भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद देखिए, ये आ गया आपके पास. अब ए क्रॉस आई करो, ये क्रॉस आई है इसमें, उसको लिखो. तो क्या करोगे, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और इसके क्या करो, क्रॉस में आई. तो देखो एक बात ध्यान रखना कि अब थोड़ा सा स्मार्ट काम करना. ए वन आई, तो आई क्रॉस आई क्या होगा, जीरो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उससे. और जे आई क्या होगा, माइनस का के, ये लो माइनस का के, करेक्ट. और के आई क्या होगा, देखो आप ऐसे समझो इसको, आई जे और यहां पे के. अब देखो आई क्रॉस आई क्या हुआ, जीरो. उसके बाद देखो J क्रॉस I क्या होगा, उल्टा आ गया ना, तो यहां पे क्या होगा, माइनस का K, वो मैं लगा दिया. अब K और I क्या होगा, K I J के इक्वल आएगा, तो प्लस का A थ्री J. ये आपका क्या था, A क्रॉस I. अब इसका क्या ले लो, आप मैग्नीट्यूड ले लो. A क्रॉस I का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट में माइनस A टू का स्क्वायर प्लस A थ्री का स्क्वायर. इसको क्या लिख सकते हो, ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर. तो देखिए अब ध्यान से, अगर आप इसमें ए क्रॉस आई उसका स्क्वायर लेते हो, ए क्रॉस आई का स्क्वायर लेते हैं, तो क्या आएगा, ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर. ऐसे ही आप क्या ले लो, ए क्रॉस इन दिस वे ए क्रॉस जे का स्क्वायर करो. ध्यान दो, ये आई था तो ए वन का स्क्वायर गायब हुआ, अब जे है तो ए वन स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर. ये आपका वन, ये आपका टू, और ऐसे ही ए क्रॉस के करो, उसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, के गायब करो तो क्या आएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर. ये नंबर क्या हो गया आपका, तीन. यहां तक कंप्लीट हुआ क्या नहीं हुआ, आपने आई ले लिया, जे ले लिया और के ले लिया. ठीक है, देखो आपने आई वाला सोल्व किया, आई वाला सोल्व किया तो ए वन गायब हुआ. अब जे वाला सोल्व करोगे तो क्या होगा, आपको करना नहीं है, जैसा मैं इतना वैसे कैसे एग्जाम में करना है. जे लिया तो ए टू वाला गायब हो गया, और के लिया तो ए थ्री वाला गायब हो गया. कंप्लीट हो गया ना यहां तक. उसके बाद देखिए, ध्यान देना आप, उसके बाद वैल्यू फ्रॉम वन टू थ्री पुट इन एल एच एस, वी गेट क्या होगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर नहीं, ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर. ऐसे ही उधर क्या है, ए वन स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर. और यहां से क्या होगा, टू इन टू ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर और ए थ्री स्क्वायर. ठीक है भाई, ये कंप्लीट हुआ आपका एल एच एस. अब आर एच एस देख लो. ठीक है, ये आपका एल एच एस कंप्लीट हुआ. अब आर एच एस को देख लीजिए, केवल और केवल जो आपने सीखा है उसका एप्लीकेशन है इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. तो ये आप आर एच एस लो, क्या है आर एच एस, टू इन टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. अब हमने क्या बोला था, ए वेक्टर इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के. ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर, इतना.
और अगर इसका आप स्क्वायर लेते हैं तो क्या आएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर कंप्लीट। उसके बाद क्या करोगे, वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर पुट इन आर एच एस, तो क्या होगा टू इंटू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर कंप्लीट। तो आप क्या कह सकते हो, देखो ये आपका आर एच एस आया था और ये आपका आर एच एस है, तो आर एच एस इसके इक्वल आ गया आर एच एस के, और इसी प्रकार से आप क्या कर दो इसको हैंड्स प्रूड। आज के लिए इतना ही, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर रहे